हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम देखिए बिल्कुल भी रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर पर पूजा करने के लिए। तो अभी नवरात्रि है तो पूजा पाठ का ही दिन है, तो हम हर रोज माता रानी से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी तैयार हो चुके हैं, तो हम लोग अभी मंदिर पर जाएंगे पूजा करने के लिए। यहाँ पे प्रसादी वगैरह तो अभी हम लोग यहाँ पे निकलेंगे पूजा करने के लिए। तो चलिए आप लोग हम लोगों के साथ मंदिर पर चलिए। तो फैमिली, हम जैसे ही मंदिर के प्रांगण में पहुंचे ना, तो हम लोग जो फर्स्ट पूजा को कलश यात्रा में भाग लिए थे ना, तो उसी कलश को आज हम लोग को विसर्जित भी करना था, तो हमको पता नहीं था। जैसे ही हम मंदिर पे आए ना, तो सब कोई कलश मतलब जो विसर्जित करने के लिए जा रहे, तो फिर हमको भी कलश मिला, तो हम लोग भी लेके जाने लगे नदी के पास। तो यहाँ नदी पे जाके इस कलश को विसर्जित करेंगे, तो उस दिन के जैसा नहीं है। आज बारीकी बारीकी से लोग अपना कलश लेके आ रहे हैं मंदिर पे, मंदिर से और नदी में प्रवाहित कर रहे हैं, जल में डाल रहे हैं। तो उसी तरह हम भी किए सेम। और आज ऐसा घटना घटा ना मेरे साथ फैमिली, आप भी सुन के ना हैरान हो जाओगे। मैं खुद तो हैरान हूँ ही हूँ, और आप भी हैरान हो जाओगे। यहाँ तक तो हर चीज़ सब ठीक है, हम वो भी दिखाएंगे कि क्या कब कितने बजे मेरे साथ क्या हुआ। तो अभी यहाँ पे हम लोग जल जैसे ही प्रवाहित कर जल में, और जैसे माता रानी आज मेरा रक्षक बनी, वैसे ही माता रानी मेरे YouTube फैमिली और मेरे अपने फैमिली जो है उसी तरह सबकी रक्षा करे। और पता है फैमिली, मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आज मैंने अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखा, एक बहुत बड़ा चमत्कार, जो कि हमको खुद अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे साथ आज हुआ। और फिर उसके बाद जैसे ही हम मंदिर वाला जो कलश था ना, वो भी विसर्जित करके आए ही थे, तो यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड जी के साथ हम लोग पूजा करने जा रहे थे। और पूजा करने के ही क्रम में ना, मतलब मेरे से घर पे ही जो गणपति बप्पा की मूर्ति होती है ना, तो वो हाथ से गिर गई, खंडित हो गई, टूट गई। मुझे खुद विश्वास, मतलब कैसे मैं इतना कस के पकड़ के रखी थी और कैसे मेरे से चूक हो गई। और पहले तो उस बात को लेके हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, रोने से भी लग गए बहुत, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हम रोए इस बात को लेके। फिर बहुत ही समझाऊँ जाके मेरे हस्बैंड जी बोले कि तुम जानबूझ के तो नहीं करी हो, तो चलो भगवान का ही इसमें कुछ होगा। तो हम बहुत डर गए कि पता नहीं भगवान मेरे से क्या क्या गलती हो गई, जो मेरे हाथ से ये भगवान जी की मूर्ति मतलब टूट गई। तो हम बहुत, और मेरे से गलती से हुआ, हम जानबूझ के किए ही नहीं, पता नहीं हाथ से कैसे अचानक छूट गई। और हम तो रो रो के, मेरा बुरा हाल हो गया, अंदर से हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए कि आखिर भगवान जी मेरे से मतलब ऐसे क्यों हो गया, कैसे हो गया। बहुत ही ज़्यादा हम डर गए थे और हम रो रो के यहाँ बहुत परेशान हो गए थे। और पता है आज ही, मतलब आज के दिन ही जिस दिन मेरे से ये कांड हुआ, तो जैसे ही हम लोग मंदिर से पूजा पाठ करके आते ना, वैसे ही हम लोग नाश्ता पानी घर पे करते और वैसे ही हम जाते हैं कॉलेज, क्योंकि आज हमको कॉलेज में काम था। तो हम आए हैं ना, तो हमको कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा काम था, जिसके वजह से हमको अभी कॉलेज निकलना था पूजा पाठ करने के बाद और नाश्ता करने के बाद, लेकिन भगवान ने हमको रोक लिया इतना बड़ा दुर्घटना होने से। फैमिली, आप भी सुनोगे ना तो आपको भी मतलब लगेगा। तो पता है आज सच में मेरे साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, क्योंकि यहाँ से है ना हमारा जो मतलब है ना कॉलेज बहुत दूर पड़ता है, तो हम लोग बाइक से ही जाते। और बड़ी घटना को ना छोटी घटना में भगवान जी परिवर्तित कर दिए, मुझे खुद ही नहीं पता। जब पूजा पाठ करके घर लौटे तो नाश्ता पानी मतलब किए थोड़ा बहुत, और हम लोग निकलने वाले थे पूजा के, फिर यहाँ नाश्ता पानी हो रहा था और यहाँ पे हम दोनों नाश्ता कर रहे थे, इसके बाद ही हम लोग निकलते। लेकिन पता है मेरे हस्बैंड के एक थोड़ी सी गलती के वजह से मतलब हमको इतना चोट लग गया ना, ब्लीडिंग वगैरह हो गया। मतलब भगवान बड़े घटने को इतनी छोटी घटने में परिवर्तित कर दिए, भगवान का मैं लाख लाख शुक्र करती हूँ। फैमिली, सच में मेरे साथ आज बहुत, और अंदर से हमको बहुत ही डर सा लग रहा था। जब से मेरे हाथ से मूर्ति टूटी हुई थी, तो अंदर से हम काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे, बहुत ही डर रहे थे, भगवान पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे दवाई वगैरह खा के हम आराम ही कर रहे थे, आप देख सकते हैं।
तो ये दोपहर का टाइम का है, इतना ज़्यादा मतलब ब्लीडिंग हो रहा था मेरे नाक से ना, तो मेरे हस्बैंड जी से ही मतलब चोक से हम सोए हुए थे, कैसे लग गया चोट मेरे हस्बैंड जी को भी पता नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी से ही लगे। तो फिर ये भी बोल रहे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है अचानक से कैसे चोट लग गया, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, हम रो रहे थे बहुत ही। और फिर इसके वजह से बस नाश्ता करने के बाद ही हम लोग निकलने वाले थे, लेकिन ये घटना घटी तो मम्मी लोग मना कर दी, बोली आज मत जाओ तो कल जाना। तो यही समझेंगे ना कि भगवान जी हमको बाहर निकलने से रोक लिए, जिस क्रम में मेरे साथ जो घटना होती उस घटना को होने से रोक लिए, छोटी घटना में परिवर्तित कर दिए। और यहाँ पे हम रात का खाना बना रहे थे फैमिली, तो फिर उसके बाद हम मेरा कोई हिम्मत नहीं काम किया कि हम इसके बाद कोई ब्लॉगिंग वगैरह करें, कुछ भी नहीं। तो मन अंदर से बहुत ही उदास था, अपसेट थे हम काफ़ी ज़्यादा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और भगवान मेरे से ही ऐसे, हमको ऐसा लगने का भगवान मेरे से नाराज़ है, इसीलिए मेरे हाथ से छूट के मतलब मेरे हाथ में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, इसका अपोजिट निकला फैमिली, इसका अपोजिट मतलब निकला कि यही भगवान हमको बचाना चाहते थे, जिसके वजह से ये छोटी सी दुर्घटना को क्या किया ना, मेरे मन में डर सा बैठा दिए कि हम, और पता है हम ये भी सोच रहे थे हम आज जाने वाले थे मतलब कि कॉलेज जाने वाले थे, पता नहीं हमारे साथ कुछ घटना घटने वाली है, जो भगवान मेरे साथ ऐसे हुए, रूठ गए, भगवान गिर गए, तो बस यही सब। और फिर हम किसी से पंडित जी से पूछे ना, पंडित जी देखिए ऐसे ऐसे बात है, तो पंडित जी लोग बताएं कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, भगवान जी ने तुम्हारी रक्षा करी है, एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया फैमिली, और सच में हम भगवान का। तो जैसे भगवान ने आज मेरा रक्षा किया, भगवान आप सभी का रक्षा करना, मैं यही आपसे दुआ करती हूँ, थैंक यू भगवान जी। फैमिली तो अभी मतलब रात हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग जा रहे थे अभी मेला घूमने के लिए, पता नहीं मेला तो घूमने जा रहे हैं लेकिन ना अंदर से खुशी नहीं है बिल्कुल भी, एक होती है ना जो खुशी होती है अंदर से, मतलब बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं है, बस ऐसे ही जाते हैं और आते हैं बस। और हम तो ब्लॉगिंग करते हैं तो हमको ब्लॉगिंग के लिए जाना पड़ता है कि कल हम कुछ न्यू करना पड़ता है हर रोज, तो आप लोग समझ सकते हैं इसी के लिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, लेकिन सच में कुछ अच्छा नहीं लगता है, सब मतलब अजीब सा लगता है, लगता है कि क्या हम बहुत बड़ा चीज खो चुका है। और आप लोग देखे ना मेरा नाक से कितना ज्यादा ब्लड गया इस इंसान के वजह से, पता है कैसे मतलब ध्यान ही नहीं दिए, चोट लगा दी है, बहुत ही ज्यादा ब्लडिंग हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फाइनली अभी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन आपको मेरा नाक थोड़ा थोड़ा ना सूझा जैसा दिख रहा होगा, फुला फुला सा, बहुत ही ज्यादा दर्द बहुत हो रहा है। तो हमको बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था मेला जाने का, ये शख्स सॉरी सॉरी कितना बार बोल के मनाए हैं कि गलती हो गया, तो चलो चलो, तो ये सॉरी बोल के मनाए हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, गलती से हुआ सॉरी। तो फिर जाके अभी हम रेडी हुए हैं, तो थोड़ा सा खाना पीना भी था घर पे बनाने के लिए ना, तो मम्मी ही बनाती है, तो हम सोचे कि मम्मी को अभी रेस्ट करना चाहिए क्योंकि अभी नवरात्रि का टाइम, मम्मी नवरात्रि करके उठी ही है, इसीलिए हम ही कोई कोई काम पे हाथ बटा दे रहे थे। तो वहाँ पे खाना पीना तो रात का बन गया, बच्चे लोग खा ली, देखो मतलब मेरा जो भाई बहन है छोटा छोटा, तो आप लोग से बताए थे, तो बच्चे लोग तो सवेरे ही सो जाते हैं ना खाना पीना खा के, इसलिए सवेरे खाना बना दिए थे। और अभी हम लोग जाएंगे मेला, देखते हैं आज कुछ सामान वगैरह होगा ना, तो देखते जो समझ में आएगा लेंगे बस। और फिर हम लोगों को भी जाना है अपना घर, अब देखिए बस यही एक दो दिन में हम लोग अपना ससुराल निकल जाएंगे, तो देखिए कब तक निकलते हैं। चलिए मेला घूम के आते हैं, बातें बहुत ही ज्यादा हो चुकी है और मेरा नाक बहुत दर्द हो रहा है, अभी बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। फिर भी कुछ चीजें होती है ना, मतलब हर चीज को छुपा के मुस्कुराना पड़ता है, बस वही बात है। तो चलो कोई नहीं, चलिए मेले में मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फिर यहाँ पे हम आ गए थे मेला घूमने के लिए, तो बस ऐसे ही देख रहे थे, जो कुछ समझ में आ रहा था हमको ना, थोड़ा सा कुछ ऐसा चीज़ लेना था कि जो हमको यूज में आ जाए। तो यहाँ पे है ना, ये मेरी मासी है, मेरी आंटी की बहन है, तो मासी ही लगती है। तो ये देखिए, और ये मेरी बहन, तो ये लोग अभी घूमने चलेगी, नाव पर जाएगी, झूला झूलेगी,
तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। ये बोल रही थी कि आप भी चलिए दीदी, आप भी चलिए, तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। अंदर से हम बस खुश थे, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल खुश नहीं थे। तो अब मेला ठेला है, गांव का मेला है, तो सब कोई लोग गांव के हैं, तो नहीं होता है कि इसके चेहरे पे खुशी नहीं है। तो हर इंसान को दिखाने के लिए भी खुश रहना पड़ता है। मेरा तो दर्द से ही हालत ख़राब था फैमिली। फिर भी अभी थोड़ा सा जब इस टाइम में ना दर्द कम था, क्योंकि दोपहर में ऐसा हुआ था और नाक के अंदर से इतना इतना ब्लडिंग हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे बस बाबू लोग के साथ हम लोग मस्ती किए थे और बस फैमिली के साथ मेला घूम रहे थे हम लोग। बस ऐसे ही वो लोग चढ़ी हुई थी झूला पर ना, तो वही हम लोग देख रहे थे और मेरी बेटी देख के हंस रही थी, आराध्या जो है ना ये देख के हंस रही थी। बस इसी तरह हम लोग घूमे फिरे थोड़ा बहुत और फिर उसके बाद घर के लिए, घर भी आ गए थे हम, बहुत जल्दी ही आ जा गए थे मेला में। बाप बेटी का मस्ती तो फाइनली फैमिली, कम से कम भगवान ने आज मुझे इतना तो एहसास कराया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम भी। देखो आप किसी का बुरा नहीं करते हो ना, तो भगवान जी भी आपका बुरा नहीं होने देते हैं। और मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो भगवान आज मेरे भी बुरा नहीं होने दिए और भगवान ने मुझे इतना बड़ा दुर्घटना होने से बचाया। फैमिली भगवान का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। पता है मैं कुछ भी करती हूँ तो अपने लिए नहीं करती हूँ, मेरे बच्चे के लिए सोचती हूँ। पहले जब मैं कुमारी थी, शादी नहीं हुआ था, तो मम्मी पापा के लिए सोचती थी। अब मेरे हस्बैंड के लिए सोचती हूँ, बच्चे के लिए सोचती हूँ, और मैं अपने बारे में कभी नहीं सोचती। भगवान मेरे साथ भी थे, क्योंकि भगवान हर हमेशा उसी इंसान का ही मदद करते हैं जो हर हमेशा दूसरे की भलाई के लिए सोचते हैं। बस भगवान उस जरूर सुनते हैं और आप लोगों का भी जरूर सुनेंगे। अभी हम आ चुके हैं मेला से, थक चुके हैं काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। और अभी रात का हो चुका है 12:30, तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह का भी प्रोग्राम था, तो हल्का फुल्का देखे, देखने का मन नहीं कर रहा था, हल्का फुल्का देखे और बहुत ही लेट हो गया था काफी ज्यादा, तो हम आ गए थे। और यहाँ पे चल रहा है अपना अपना सबका काम, अभी सब कुछ सोएंगे, आराम करेंगे। और आज का ब्लॉग हो चुका है काफी ज्यादा लंबा, तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय माई ऑल यूट्यूब फैमिली। और आप लोगों को मेरी वीडियो में थोड़ी सी शोर शराबा सुनने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम अभी चल रहा है ना, इसी वजह से बहुत आवाज आ रही होगी वीडियो में। और सच में बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, तो इस वीडियो में यहीं तक, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।